साल से मैं पेंट करते मिनीचर पेंटिंग्स करते आ रहा हूँ और इस कलेक्शन के थ्रू आज वी आर गोइंग टू द एनएफटी प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द फर्स्ट अनवीलिंग ऑफ इट्स काइंड और इसमें डिटेल जो है वो एक मिनीचर पेंटिंग की ही है, उतनी ही महीनता से काम किया गया है और इसमें जो ये पर्टिकुलरली समबडी हु पजेस द ओरिजिनल वर्क इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड वर्क एंड द रेस्ट वुड बी ऑल डिजिटल कॉपीज ऑन द एनएफटीज। एंड एनएफटी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आने वाले दिनों में आप जानेंगे देखेंगे कि आज एक आर्टिस्ट की जो जो छवि है वो एक गैलरी तक नहीं, इट्स गोना बी वे मोर देन दिस थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो विल बी एक्सपोजर विल बी वे बिगर फॉर एन आर्टिस्ट। एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते आ रहे हैं और इसके बारे में बहुत सारी बातें भी होती आ रही हैं कि ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, पर अगर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत तरीके से अगर समझ के काम किया जाए तो ये आज के टाइम में अनदर 10 ईयर्स डाउन द लाइन दिस गोना बी रियली बिग एज अ प्लेटफॉर्म। और जितना भी आर्ट आप देखते हैं जो गैलरीज में देखते हैं ये सारा काम आपको एनएफटीज पे आने वाले टाइम में डाइवर्ट होगा, तो इसके यू कैन ट्रेड इट थ्रू इथेरियम और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जिसे कहते हैं उसमें इस काम की ट्रेडिंग है। और ऑलरेडी ट्विटर हैज काइंड ऑफ ऑलरेडी अनाउंस्ड द यू नो द अराइवल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। कलेक्शन का नाम मैंने पेरिशियस रखा है, विच इज पेरिश एंड प्रेशियस, पेरिशिंग एनिमल्स और प्रेशियस ऑटोमेटिकली बहुत कम है और बहुत आज पीटा है या रबर्स है बहुत कोशिश कर रहा है कि हम इन एनिमल्स को बचा सकें। आई एम एनिमल लवर ऑल्सो, सो दिस इज समथिंग विच इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको मेरे लिए आप, क्योंकि हर बार कुछ एज एन आर्टिस्ट आज मिनीचर्स करता रहा हूँ साथ, मेरी छवि मिनीचर्स में ही बनी हुई है तो उससे हटके कुछ करने का मौका मिला है। दिस इज दैट पर्टिकुलर कलेक्शन व्हाट यू सी। सो आज हम लोग आज मैं थर्ड जनरेशन आर्टिस्ट हूँ, मतलब मेरे फादर अभी भी ही स्टिल पेंट्स, तो अब हम मिनीचर्स को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का कि आज जितनी भी सभ्यता है आपकी आज मिनीचर्स इज द बिगेस्ट, मतलब आज सबसे पुरानी सभ्यता देखा जाए तो 5,000 सालों से मिनीचर्स हैज बीन देयर, बट जैसे जैसे कंटेम्प्रेरी आता गया वैसे वैसे इसकी जो चार्म है जो क्रेज है वो कम होती जा रही थी। तो आज 7-8-10 साल से मैंने कोशिश करी कि आज कहीं ना कहीं मिनीचर्स को बढ़ावा मिले और अब जाके ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि हमको वी गेटिंग दैट स्पेस कि आज लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं मिनीचर आर्ट को वापस। आज पिछवाइज है, पिछवाइज को रिवाइव करने का ये एक बहुत बड़ा कारण था कि पिछवाई मतलब ये जो आप जो देख रहे हैं जो गाय वाली पेंटिंग्स हैं ये नाथद्वारा शैली की हैं और उसके अलावा तंजोर्स हैं जो साउथ में होती हैं, तो इनको मैं काफ़ी सालों से स्टडिंग द आर्ट इनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और डिटेल और महीनता से कि ये लोगों तक पहुँचे। आज पीएम से जब मुलाकात हुई तो उनका बुलाने का एजेंडा यही था कि आज मेक इन इंडिया के थ्रू या मेरे माध्यम के थ्रू हम लोग फोक आर्ट को वापस बढ़ावा दे सकें, तो दैट इज़ व्हाट कोशिश ये है कि अंडर वन रूफ आप ये सब काम देख पाएँ क्योंकि हमारी लेगेसी ही ये है और कहीं ना कहीं जब ये लुप्त होती जा रही है तो उसको आप लोगों के पत्रकारों की तरह हम लोग इसको वापस उठा सकें और आज के टाइम पे जो नई एज मकान है जो नए लोग घर बनाते हैं सब जगह वापस इसका चांद उतना ही वापस सब वापस उस डायरेक्शन में। आज भी सब कुछ देखा जाए तो आज भी हम वही खड़िया यूज़ कर रहे हैं, वही आज जो पिगमेंट्स होते हैं जो वेजिटेबल डाइस होती हैं हम आज भी सब वही यूज़ करते जा रहे हैं, बट आज जैसे मैं आई एम अ न्यू जनरेशन आर्टिस्ट तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी काम को और मॉडर्नाइज करके इस काम को मतलब अंडर वो नहीं किया जाए डिग्रेड नहीं किया जाए, ये वापस जितने भी न्यू एज हाउसेज हैं वहाँ इन सबको वापस बढ़ावा मिले इस आर्ट को और वापस, बिकॉज आज की डेट में सभ्यता क्या है इंडिया की, इट इज़ ट्रेडिशन एंड इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रांगली इन अ ट्रेडिशनल कंट्री राइट। सो टेकिंग द रूट्स अलॉन्ग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को वापस अब थिंग्स हैव एक्चुअली गॉट बैक टू नॉर्मल दैट यू नो एज मिनिएचर एज द फोक आर्ट इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड रियली वेल। एग्जीबिशन करने में आज कहने को तो छोटी सी एग्जीबिशन है पर मेरे लिए आज ये मेरे 21 साल का काम है और हमेशा डायरेक्शन यही रहा है कि हम इंडियन आज इंडिया में इंडिया खुद इतना हेरिटेज कल्चर है कि हम इस काम को बढ़ावा दें हम इस काम को प्रमोट करें। सब कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी क्यों, व्हाई एवरीथिंग इज कंटेम्प्रेरी, व्हाई कांट बी ट्रेडिशनल, व्हाई कांट बी मिनीचर्स अगेन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आज कंटेम्प्रेरी आज लगाई जाती है पर मिनीचर्स में भी देर इज अ मच रिचर चार्म दैट इट हैज एंड सपोर्ट द मिनीचर पेंटिंग आर्टिस्ट सपोर्ट द कम्युनिटी फोक आर्ट को सपोर्ट किया जाए और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा और आप लोगों के थ्रू आपके मीडियम से ही ये चीज़ आगे जा सकती है कि क्योंकि आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं वही लुप्त हो गए हैं। आज मैं हूँ आज मेरे में एक झील थी इस काम को आगे ले जाने की इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ तक बेचारे पहुँच ही नहीं पाते कि और बहुत अच्छे आर्टिस्ट इंडिया में इंडिया लाइक आई सेड वी आर लकी टू हैव अ कंट्री विच हैज सो मेनी ऑफ सच ब्रिलियंट आर्टिस्ट बट आज उनको कोई भी
एप्रिसिएशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, दैट पीपल डोंट वैल्यू द फोक आर्ट प्लेटफॉर्म लाइक दैट. सो आप लोगों के थ्रू आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले इस काम को, मिनीचर्स को वापस. आज पीएम साहब खुद कहते हैं, पीएम साहब ने मुझे स्पेशली बुलाया, पीएमओ बुला के यही बात करी कि शर्मा जी फोक आर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है. दैट्स व्हेन आई केम इनटू प्लेस एंड मैंने आके आज इंस्टाग्राम कह लीजिए या फिर आज सोनाली कह लीजिए, जो मेरी जो टीम है जो बार बार इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि मिनीचर आर्ट फोक आर्ट हम लोग डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आज हम इस चीज़ को लुप्त ना होने दें. क्योंकि आज एक ब्रश, एक कलर, एक पेंट जो आप देखते हैं, जो आप कंटेम्प्रेरी भी देखते हैं पूरी दुनिया में, सबसे पहले जो आर्ट हुई थी दैट वॉज मिनिएचर इन इंडिया. तो आपको इफ यू डोंट नो दैट द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ इंडिया. मेरे फादर को ही हैज मेड मी द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, और उन्हीं की वजह से शायद आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं सब कर पा रहा हूँ. ओके और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं आप लोगों को, आपको तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे. थैंकफुल टू एवरी वन हूज हियर, रियली थैंकफुल. एंड माय वाइफ इज आल्सो हियर, सो विदाउट हर इट वुड हैव बीन एनीथिंग. कहना पड़ेगा हार्ड वर्किंग गाइस.